श्री इटेला राजेंद्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तेलंगाना स्टेट के अंदर 1947 टू 2004 जितने जो नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ था, 10 साल के अंदर उससे ज़्यादा नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ सब। हैदराबाद टू विजयवाड़ा, हैदराबाद टू छत्तीसगढ़, हैदराबाद टू नागपुर, हैदराबाद टू नागपुर जो नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ था, सिटी के अंदर, हैदराबाद सिटी के अंदर बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहा है। इसमें अंडरपासेस एंड ओवर ब्रिजेस भी बनना चाहिए। मंत्री जी को मेरा रिक्वेस्ट है, जोड़ी मेटला बोल के एक चौरस्ता है, 60 स्टूडेंट्स मरा है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 60 स्टूडेंट्स मरा है। मंत्री जी ने प्रोएक्टिव पॉजिटिव जो सोचता है जरूर। हमारा जो विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पे के पास 2 ओवर ब्रिजेस के बारे में एंड छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे है ये 1-2 ओवर ब्रिजेस के बारे में जो कंपली से लेके नागपुर तक जो बना रहा है उसमें एक मेट्रो रेलवे बनाने का भी है। वो अभी ब्रिज बना रहा है सब, 2 कोऑर्डिनेट करके बनाए तो चीप में बढ़ता बोल के जो कुंपल्ली हाईवे पे मेडचल तक जो मेट्रो रेल बनाने का है वो भी चलो लिंक करके बनाए तो अच्छा है बोल के मेरा रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ पर विषय एक रहता है और पूरे देश के विषय सवाल पूछेंगे, हजारों करोड़ बन रहे हैं, सबके तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। पर हैदराबाद रिंग रोड जो है वो 17,000 करोड़ रुपए का रोड हमने मंजूर किया है। जब TRS की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे और 50% लैंड एक्विजिशन का पैसा देंगे। बाद में मुझे नए मुख्यमंत्री भी मिले थे, उनसे भी चर्चा हुई है, हमने वो काम उनको दिया है। उन्होंने लैंड एक्विजिशन पूरा करने के बाद हैदराबाद का नया रिंग रोड हम बनाएंगे। जहाँ तक ये जो विजयवाड़ा से लेकर हैदराबाद का रोड है, ये एयरपोर्ट वाली जो कंपनी उनको मिला है, काफ़ी डिस्प्यूट्स है और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ अभी जो पूर्व सांसद थे और अभी PW मिनिस्टर बने, वो भी इसके लिए काफ़ी बार आए और उस रोड पर हमने उनके साथ चर्चा भी की। उन्होंने हमारे NHAI पर केसेस डाली है, NHAI ने उनके ऊपर डाली है, मामले में आर्बिट्रेशन, हाईकोर्ट, ये सब मामले में वो लटका हुआ है। पर उसके बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे मैं भी दुखी हूँ और उसमें नए नए यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों की भी डेथ हुई है। हम लोग जल्दी इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो NH-65 है उसका अपग्रेडेशन का हमने बीड बुला लिया है और उसका तुरंत 1-2 महीने के अंदर काम का शुरुआत हो जाएगी, ऐसा विश्वास मैं उनको देता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर। सर NH-66 विच स्टार्ट्स फ्रॉम कासरगोड टू त्रिवेंद्रम इज वन ऑफ द प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and we are all the members of the parliament are beneficiaries because it's clearly dividing Kerala into two. So the highway, the 45 meter highway is going to benefit all the people of Kerala. Sir, my specific question is, the particular highway in my constituency from Muthagundam to Edappally, there are a lot of places which clearly needs underpasses, where there are many educational institutions in Cheranallur, in Varapura, in Kunamavu, right till Muthagundam and Pattanam. These are places which clearly needs underpasses because thousands and ten thousands of people live in areas where it is clearly divided. So we have given a proposal for constructing new underpasses in this particular NH-66. Also the Edappally junction, Lulu junction to Arur needs an elevated highway. The DPR is already under consideration. So we request you to allot the elevated highway, sir, because you know land acquisition in Kerala is so expensive. Okay. The particular, sir, concluding. Sir, 45 meters is not there from Edappally to Arur. So if you go for land acquisition,
The exorbitant land rates, you won't be affordable to get the land, and there are a lot of flats and religious institutions, so I request you to allocate the elevated highway from Edappally to Arur as well, sir. Thank you. सन्माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही है कि केरल में काम करना बहुत मुश्किल है. रोड के बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट है और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट एक किलोमीटर की 50 करोड़ तक जाती है. फिर भी उन्होंने बीच में केरल के मुख्यमंत्री जी ने 50% लैंड की कॉस्ट बेयर करेंगे ये कहा था. 5,000 करोड़ रुपये उनने दिए. बाद में उनको दिक्कत आई, फिर मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि जितना एग्रीगेट और सैंड और पत्थर लगता है उसको रॉयल्टी फ्री करा दो और 9% जीएसटी जो है स्टेट का हिस्सा उसको एग्जम कर दो, तो इसमें मैं आपका मार्ग निकालूंगा. उनका वो पत्र अभी आया है और उसके आधार पर हम वो भी काम कर रहे हैं क्योंकि केरल में रोड बनाना आवश्यक है. जो इन्होंने कहा है उसको मैं जाँच लूँगा और लैंड एक्विजिशन लेना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर यह एलिवेटेड रोड को वेरीफाई करेंगे. प्रश्नकाल समाप्त. माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों को की स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है. जीरोड़ लेंगे, पहले जीरोड़ लेंगे. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2